हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सबसाहूनं। शुरमणुशुन्दवन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि बढ्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। सारे हिंदुस्तान में एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि कहाँ लिखा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कहाँ लिखा है एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ नहीं कर सकती, कहाँ लिखा। प्रश्न में आया सबको, ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि सारी दुनिया को ऐसा लगता है कि आविष्कार केवल सोनगढ़ का है, स्वामी जी का है। लेकिन मैं आज आप सबको बिल्कुल आप कक्षा के रूप में ही देखेंगे बिल्कुल, और मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना याद हो जाएगा आपको, और सप्तभंग पर आपकी कमांड हो जाएगी। जो भी बच्चे चाहते हैं कि सप्तभंग पर उनकी कमांड हो जाए तो अभी भी अलर्ट होकर देखें और सारे लोग इस बात को अच्छे से समझें। फिर से प्रश्न क्या होता है, सारी दुनिया ये पूछेगी आपसे कहाँ लिखा है बताइए। और इतना ही नहीं, वो निमित्त नैमित्तिक को जो कारण कार्य संबंध कहलाते हैं ना, निमित्त नैमित्तिक, उसकी चर्चा भरी पड़ी है प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग में, कर्णानुयोग में। तो झट खोल खोल के दिखाई, देखो राजवार्तिक में लिखा है, गोमठसार जी में लिखा है, देखो देखो कर्मजीव को हैरान करता है, कर्मजीव को रुलाता है, देखो गुरु से ज्ञान होता है, देखो शास्त्रों से ज्ञान होता है। माने वे 99% कथन जिनवाणी में से ढूंढ के बता देंगे कि ये दो द्रव के बीच में कारण कार्य संबंध है। क्या कहा मैंने, दो द्रव के बीच में कारण कार्य संबंध है कि नहीं है, है? कैसी बातें कर रहे नहीं, निमित्त निमित्त को भी कारण कार्य कहते हैं। कारण कार्य के दो भेद हैं, एक उपादान और एक निमित्त। कारण कार्य मीमांसा पढ़ेंगे ना, अब कारण कार्य मीमांसा, तो कारण के दो भेद हैं, निमित्त और उपादान। बस इतना है, उपादान कारण है और निमित्त कहलाता है। फर्क क्या पड़ा दोनों में, उपादान कारण है और निमित्त उपचार से कारण कहलाता है। समझ में आया बेटे, समझ में आया सबको। ए भैया जो पहले साल के बच्चे हों, खासतौर से इलेवंथ वाले, कौन कौन बच्चे इलेवंथ वाले पीछे हो आप लोग, अच्छा अच्छा बैठ नीचे हाथ कर लीजिए, आप अच्छे समझने बेटे आपको बहुत मजा आएगा। तो फिर से सुन लीजिए, एक द्रव दूसरे द्रव का कारण है ऐसा भी जिनवाणी में लिखा है, लेकिन जहां जहां दो द्रव के बीच में कारण कार्य कहा जाए उसे निमित्त नैमित्तिक समझना, और जहां एक द्रव के अंदर अंदर, एक गुण के अंदर अंदर, एक पर्याय के अंदर कारण कार्य कहा जाए तो कौन सा समझना। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, जोर से बोलो, दो द्रव के बीच में कारण कार्य कहा है कि नहीं कहा है, कहा है, कितना परसेंट, 99%, लेकिन उसका मतलब है निमित्त नैमित्तिक। और जब एक द्रव्य अथवा गुण अथवा एक पर्याय की चर्चा हो तो वहां क्या लगाना, उपादान। बराबर, कारण के कितने भेद हैं, दो, कौन कौन से, बराबर, ठीक, बहुत सुंदर। आगे चलू, अभी आप चाहे तो एक मिनट के अंदर जल्दी जल्दी कुछ लिख लीजिए, एक पेज पर एक साइड लिखिए वक्तव्य, एक साइड लिखिए अवक्तव्य। लिख लिया आपने, एक तरफ लिखिए वक्तव्य, एक तरफ अवक्तव्य। अभी वक्तव्य के नीचे लिखिए स्यात् अस्ति, वक्तव्य के नीचे फिर दूसरा लिखिए स्यात् नास्ति, और उसके नीचे लिखिए स्यात् अस्ति नास्ति। लिख लिया,
अभी अवक्तव्य के नीचे लिखी, अवक्तव्य के नीचे अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। सप्तभंग कहीं लिखा है जिनवाणी स्तुति में? सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सुने? सुनो सभी लोग, अब लिखना मत, मैं आपको समझा देता हूं पहले, पहले आप समझ लीजिए, आपको अब भी याद हो जाएंगे दो मिनट के अंदर। तालाब गंदा हो जाता है क्योंकि उसमें तरंगे नहीं उठती, लेकिन नदी और समुद्र हमेशा पवित्र रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तरंगे उठती हैं। जैसे हम पानी छान करके पानी को शुद्ध करते हैं, जैसे हम बर्तनों को माँझ करके धोकर शुद्ध करते हैं, कपड़ों को धोकर शुद्ध करते हैं साबुन लगा लगा करके, ठीक ऐसा ही काम समुद्र की लहरें समुद्र को शुद्ध करने में करती हैं। आप उसमें कितनी गंदगी डाल दीजिए लेकिन वो पवित्र हो जाएगा। आत्मा को भी समुद्र की उपाधि दी गई है, केवल ज्ञान को ज्ञान समुद्र, केवल ज्ञान समुद्र की उपाधि दी गई है। ऐसे आत्मा भी चैतन्य समुद्र है, उसमें अनंत रत्न है। आत्मा को एक चेतन रत्नाकर नाम सुना हो आपने, रत्नाकर माने समुद्र, रत्नाकर माने समुद्र, तो ये चेतन रत्नाकर, इसमें अनंत रत्न है। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, वापस सप्तभंग जह तरंग माने सप्तभंग रूपी जहां तरंग उठती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप। समुद्र जैसे तरंगों से पवित्र होता है, ध्यान से सुनना जरा, जिनवाणी में सप्तभंग है लेकिन यदि आपके ज्ञान में सप्तभंग नहीं है तो आपके ज्ञान में निर्मलता प्रकट नहीं होगी, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। क्या बोला? आपके ज्ञान में मिथ्यापना दूर नहीं होगा, सम्यक ज्ञान पना नहीं प्रकट होगा, निर्मलता प्रकट नहीं होगी। क्यों? फिर से पूछता हूं, सारे लोग स्वाध्याय करते तो सम्यक ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते? सनत उत्तर दोगे कोई? नवीन बोलो बेटे। हाँ क्यों नहीं? अभी थोड़ा, क्योंकि सप्तभंग का प्रयोग नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये बात भी बराबर है और प्रयोग भी, आप लोग चाहेंगे प्रयोग करना चाहोगे, करना चाहोगे, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं आपको सप्तभंग। फिर से सुन लीजिए, सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? इतना पढ़ने के बाद आपको भी लगता होगा इतने शास्त्री निकल गए, सम्यक दृष्टि कितने हुए, और अभी तो वो स्वाध्याय तक नहीं कर रहे, वो तो जॉब में लग गए, वो तो इसमें लग गए, वो पता नहीं दुनिया में भटक गए कि आ गए कि चले गए, जाने कितने प्रश्न। लेकिन जो सप्तभंग का प्रयोग करेगा वो जिंदगी में कभी मात नहीं खाएगा। कैसे करें प्रयोग? पहले तो सप्तभंग ही नाम सुन लेते हैं अपन। देखो प्रवचन सार जी परमागम के परिशिष्ट में अमृतचंद स्वामी ने 47 नयों की चर्चा की है, आपको याद होगा। जो नए बच्चे होंगे उन्हें अब मालूम पड़ गया कि 47 नयों की चर्चा है और समय सार जी परमागम में 47 शक्तियों की चर्चा है। 11वीं वाले बच्चे जवाब देंगे हमको, मैं पूछ रहा हूँ 11वीं वालों से। समय सार जी में 47 नयों की चर्चा है और प्रवचन सार जी में 47 शक्तियों की चर्चा है। 11वीं वालों से ने क्या सुना? 11वीं वालों ने, 11वीं वाले बोलो क्या कह रहे हो? हाँ, समय सार जी में 47 नयों की चर्चा है, जोर से बोलो। हाँ, समय सार जी में 47 नयों की चर्चा है। अच्छा हाँ ठीक। और प्रवचन सार जी में 47 शक्तियों की चर्चा है। क्या की चर्चा है? वेरी गुड, अब याद हो गया आपको। 11वीं वाला कोई रह गया जिसको याद ना हुआ हो? ठीक, अब आगे चलते हैं। तो प्रवचन सार जी परमागम के परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा है, वहां पर 3 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक, 7 और 2 9 नंबर तक सप्तभंग की चर्चा है। वहां भी सप्तभंग आत्मा में जैसे ज्ञान नाम का गुण है ना, आत्मा में जैसे ज्ञान नाम का गुण है ना, ऐसे आत्मा में एक अस्ति नाम का धर्म है, नास्ति नाम का धर्म है, अस्ति नास्ति नाम का भी एक धर्म है, अवक्तव्य नाम का भी एक धर्म है। जैसे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, शोक है, वीर है, ऐसे ही आप में सप्तभंग नाम के धर्म है। आप में ही नहीं, बता सकते हो कहां कहां, कहां कहां है? विश्व के प्रत्येक द्रव्य में, विश्व के
प्रत्येक द्रव्य में सप्त भंग हैं, सप्त नाम के भंग नाम के धर्म हैं। कितने नाम के धर्म हैं? सप्त भंग नाम के धर्म हैं। ऐसे आत्मा में भी है। इसी बस यहीं से सिद्ध हो गया कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, एक पर्याय दूसरे पर्याय का। बोलते जा भैया, फिर से सुन लो। मैंने प्रश्न कहां से शुरू किया था आज? प्रवचन, एक द्रव्य दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। लोग आपसे पूछेंगे, मैं अपनी बात कहता हूं, जब मैं प्रवचन करने जाता हूं तो फिर मेरे पास कभी कोई मुनिराज भी पूछ सकते हैं, आचार्य भी पूछ लेते हैं, और कभी कोई पंडित लोग भी पूछ लेते हैं, बताओ कहां लिखा है। तो मैं और कहीं से नहीं बताता, ना मैं प्रवचन रत्नाकर बताता हूं, ना गुरुदेव के प्रवचन बताता हूं, कुछ नहीं बताता हूं। मैं मालूम क्या बताता हूं कि सबसे पहले हम सप्तभंग की चर्चा करें। सप्तभंग में एक मिनट के अंदर नक्की हो जाएगा कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। आगे बोलो, एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करती, एक पर्याय। ये चरम स्वतंत्रता की घोषणा इसमें है। और जी गुरुदेव श्री के प्रवचन अब सुनेंगे आज के बाद, तो आपको रोजाना सप्तभंग दिखाई देंगे। आइए अपन चर्चा करते हैं। सप्तभंग नाम के धर्म कितने द्रव्यों में है? सभी द्रव्यों में, एक जीव में छोड़कर। अच्छा, जीव में तो है लेकिन अपने को छोड़कर है। अच्छा ठीक, अभी आगे चलता हूं थोड़ा। सप्तभंग नाम के धर्म जीव में है, उसके गुणों में भी हैं, उसके पर्यायों में भी है। वेरी गुड, याद रखना ये बात। क्या बोला हमने? सप्तभंग कहाँ है? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। इसकी चर्चा तो यदि करना पड़ेगी तो एक घंटा और चाहिए पड़ेगा, यदि इतनी लाइन में मुझे समझाना होगी तो। लेकिन मैं सोचता हूँ इंटेलिजेंट तो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझ पाए वो मेरे से अलग से मिल लेना, तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। लेकिन मैं इशारा कर दूंगा, आप रोज पढ़ते हैं इसलिए आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। अब कक्षा स्टार्ट करते हैं अपन। सप्तभंग में जरा किसको सात नाम याद नहीं हुए, जरा बोलो बोलो। सात नाम किसको याद नहीं हुए, जल्दी हाथ खड़े करो, नहीं तो फिर मैं याद कराऊं। सबको याद हो गए? ग्यारहवीं वाले कोई बच्चे बोलेंगे बेटे? हाँ भैया, उपाध्याय कनिष्ठ क्या बोलते हैं? हाँ बेटे, याद हो गए? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सबसे पहला है अस्थि। कौन सा? कौन सा? स्यात अस्थि, स्यात। अरे पहले स्यात अस्थि बराबर, और स्यात नास्ति। चलो कोई बात नहीं, अब दो ही पढ़ा दे रहे एक साथ आपको, पर इसमें दो समझ लो, ये मम्मी पापा हैं। इसके बाद तो वो सब सेट होता चला जाएगा। अब कैसे होगा वो अपन देखेंगे। अस्थि, अस्थि माने है, अस्थि माने है। यदि आप प्रवचन सार जी परमागम देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो आपको उसमें चार बातें और मिलेंगी। सभी लोग बच्चे खासतौर से ग्यारहवीं बारहवीं वाले ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, इन लोगों को तो याद हो जाएगा जल्दी से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ग्यारहवीं वाले हाथ खड़ा करो, कौन को याद नहीं हुआ? मैं बाद में पूछूंगा, फिर मत बोलना मेरे को याद नहीं हुआ, अभी बोलो जल्दी से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार का मतलब समझते हो सब लोग? चार का मतलब समझते हो? यदि आप समझते हो तो मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। वर्ल्ड में एक भी न्यूज़पेपर इसके बिना नहीं छपता। आपका जो प्रोग्राम भी हो रहा है ना, प्रोग्राम कल से शिविर लगने वाला है, आप देखना मैगजीन जाकर पत्रिका देखना, उसमें चार बातें लिखी होंगी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जैसे समझ लीजिए, मैं एक सरल दृष्टांत दूं, कल कलकत्ता में आग लग गई, कलकत्ता वाले नाराज नहीं होना भैया। कलकत्ता में कल आग लग गई, कलकत्ता में मतलब किसी मोहल्ले में। तो द्रव्य, द्रव्य कौन से, कौन सा द्रव्य होगा? तो मकान दुकान जलेगा कहीं ना कहीं, द्रव्य होगा ना, मकान दुकान, कहीं आग लगी, कहां आग लगी, तो कोई होगा वो द्रव्य। क्षेत्र, कौन से वार्ड में, कौन से मोहल्ले में आग लगी? यदि 100 मंजिल की बिल्डिंग होगी तो कौन सी मंजिल पर आग लगी? क्षेत्र, बिल्डिंग, द्रव्य, क्षेत्र में कौन से स्थान पर लगी, कौन से मोहल्ले में लगी, कौन सी बिल्डिंग के कौन से मंजिल पर लगी, बराबर। अब काल,
कितने बजे लगी? रात को, शाम को 6:05 पर सिक्किम में भूकंप। ये टाइम क्या है? टाइम काल और भाव। कितना लॉस हो गया, कितनी जनधन की हानि हुई, याद रह जाएगा अब तो। बोला यदि ऐसा कहा जाए, भैया कल किसी के प्रवचन होंगे, कितने बजे होंगे ये तो मालूम नहीं, कभी ना कभी तो होंगे। अब किसके प्रवचन होंगे? कि सुमत प्रकाश जी के, तो फौरन प्रश्न खड़ा हो जाएगा, कहाँ होंगे? इस हाल में होंगे कि बाबू भाई जी वाले हाल में होंगे कि कहाँ होंगे? तो क्षेत्र फिर काल बताना पड़ेगा, क्योंकि 12-14 घंटे का प्रोग्राम है। आप बताओ तो, टाइम तो बताओ, तो फिर काल बताना पड़ेगा 8 से 9:15 कि 8:30 से 9:15, तो ये टाइम बता दिया। भाव किस विषय पर होंगे? अब तो सबको समझ में आ गया। चार नाम बोलो, लगा लोगे आप लोग? किसकी शादी कहाँ होगी, प्लेस वेन्यू कहाँ पहुंचे, कब, मुहूर्त मुहूर्त और क्या होगी शादी। अब तो समझ आ गया, माने आपको दुनिया में कोई भी बात होगी तो चार के बिना काम क्यों? तुम्हें उनसे मिलना है क्या? बहुत बड़े आदमी है, उनसे मिलना है, उनसे तो, उनसे माने पहले द्रव बताओ कौन, फिर अच्छा कौन, तो कहां मिलेंगे, क्यों, बिग बी से मिलना है, बिग बी से, और बिग बी कहां मिलेंगे, झट दूसरा प्रश्न कौन सा हो गया, कहां मिलेंगे, कि साहब आज जयपुर आए हुए हैं बिग बी, अच्छा जयपुर आए हुए हैं तो कब मिलेंगे, अब देखो कौन कहां कब और फिर उनसे बात क्या करेंगे, कौन से मैटर में बात करेंगे, कोई प्रकरण भी तो बताना पड़ेगा, हम किस खुशी में उनसे मिलेंगे, तो भाव। अब तो समझ में आ गया सबको, मेरे ख्याल से अब कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश स्व क्षेत्र, काल अनादि अनंत और भाव अनंत गुणों की प्रॉपर्टी हो गया। कौन बोलेगा जी, विवेक बोलोगे? द्रव्य में जीव द्रव्य, क्षेत्र में संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, बिल्कुल ठीक, काल अनादि अनादि अनंत और भाव में अनंत गुणों की प्रॉपर्टी, याद हो गया सबको, याद हो गया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपने पढ़ा होगा ना, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय पढ़े हैं आपने, पढ़े? कल पूछूंगा कि आज ही पूछूं, इनमें द्रव्य कौन है? तो 6 द्रव्य तो द्रव्य ही हो गए, और क्षेत्र क्षेत्र 5 अस्थिकाय है, द्रव्य क्षेत्र और काल 7 तत्व और 9 पदार्थ भाव ऐसे हैं इसमें, देख लेना, थोड़ा कोई करेक्शन हो तो देख लेना बाद में, मैंने इस तरह से घटित है, मैंने हमारी जिनवाणी में पढ़ना, आप इन चार बातों का निर्णय सम्यक दर्शन करने के लिए कंपलसरी है। क्या क्या? द्रव्य 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और 5 अस्थिकाय। अस्थिकाय माने क्षेत्र की अपेक्षा की चर्चा है, अस्थिकाय में क्षेत्र की अपेक्षा की चर्चा है, बहुत बढ़िया। अभी मैं इसको ज्यादा नहीं खोलना है, आप पढ़ लेना, सही कर लेना, ठीक है? अब आगे चलो फिर से, तो अब मैं वापस आता हूं, स्यात अस्थि, क्या बोला, क्या बोला, स्यात अस्थि माने जीव द्रव्य अपने से जीव द्रव्य है, किसी के कारण जीव द्रव्य नहीं है, परद्रव के कारण नहीं है, जीव द्रव्य अपने असंख्यात प्रदेश में है कि शरीर में है, कहां है? फिर से पूछता हूं, अभी तो शरीर में है ना, अभी जीव कहां है, जीव कहां है, अभी तो शरीर में है, कर्मों में है, अभी तो है, अभी तो, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं हो सकता, ओ हो गजब हो गया। फिर से, द्रव्य मैं जीव द्रव्य हूं, क्षेत्र मैं अभी भी शरीर में नहीं है आत्मा, कैसा मजा आ जाए यदि समझ में आ जाए तो, अभी भी शरीर में
नहीं हो, ओहो ए शरीर तो तुम हो ही नहीं। आगे बोलो, कौन बोलेगा? शरीर तो तुम हो ही नहीं, लेकिन शरीर में भी नहीं हो। गजब बात है। अभी शरीर में नहीं है, अत्यंत भाव, अत्यंत भाव, ओहो गजब हो गया। अब इस पर प्रवचन करना हो तो मैं बहुत कर सकता हूं, क्योंकि सारा मजा तो इसी में छिपा पड़ा है। यदि इतनी बात समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन। आगे चलो, क्षेत्र काल, काल काल माने परिणमन, अनादि अनंत परिणमन, जीव का जुदा और शरीर का जुदा, और भाव आत्मा के अनंत गुण जुदे और शरीर के अनंत गुण जुदे। कितने हो गए? एक बार बच्चे बोलेंगे ग्यारहवीं वाले, जोर से, केवल ग्यारहवीं वाले, केवल ग्यारहवीं वाले, हम बोलो। वेरी गुड, बहुत सुंदर, मजा आ गया। देखो सप्तभंग मेरे को भी अभी 2-4 साल पहले समझ में आए, आपको अभी से समझ में आ गया, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। अब आगे चलूं मैं तो, स्यात अस्ति माने द्रव्य अपने से है इसका नाम अस्ति, और पर के कारण नहीं है इसका नाम नास्ति। याद रहेगा, द्रव्य अपने कारण है, अपने से है, अपने क्षेत्र में है, अपने काल अपने परिणमन में है और अपने गुणों में है, इसका नाम स्यात अस्ति। कौन बोलेगा? हाँ बोलो बेटे, स्यात अस्ति बोलो। स्वय द्रव्य से है, स्वय क्षेत्र में है, स्वय काल में परिणम रहा है, परिणम रहा है, स्वय काल में परिणम रहा है। ओहो गजब, खुशी होना चाहिए, आत्मा अनादि काल से स्वय काल में ही परिणम रहा है, जानता नहीं है, इसलिए पर भाव क्या कहलाता था? स्वय काल और पर काल पड़ा हुआ समय साजी में, इसलिए पर काल हो रहा है, माने मिथ्या दृष्टि हो रहा है, नहीं तो खरे खर देखा जाए तो ये स्वय काल में ही परिणम रहा है। फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव में क्या हो गया? अनंत गुण स्वभाव, बराबर। अब फिर से चलो तो, अस्थि समझ में आ गई सबको? अस्थि समझ में आ गई सबको? नास्ति समझ में आ गई ना? देखो नास्ति कहने कैसे बोलेंगे, देखो नास्ति का उच्चारण देखो, ना अस्थि, ना अस्थि, इसको सीधे बोलो तो नास्ति। जैसे हम अभी कहें, पता है दूध नमक से मीठा होता है, पता है आपको? नहीं मालूम? शक्कर, शक्कर की मिठास शक्कर से नहीं होती, किससे होती है? नमक से। तो आप झट बोलोगे ना अस्ति नहीं है, ना अस्ति माने शक्कर नमक के कारण, नमक के बल पर नहीं है। ओहो हो, समझ में आया कि नहीं आया? अस्ति नास्ति किसको समझ नहीं आया? तो फिर बोलूं, स्वय द्रव्य से है, स्वय क्षेत्र में है, स्वय काल में परिणम रहा है और स्वय भाव में बसता है। आत्मा कहां बसता है? आत्मा कहां बसता है? पिछली बार पढ़ाया था आपको, एक बात पिछली बार पढ़ाई थी आपको, स्वय क्षेत्र में बसता है, अनंत गुणों रूप रहता है। यूं अभी देखो, पिछली बार आपको एक बात पढ़ाई थी इसलिए पूछ रहा हूं, सोने की प्रॉपर्टी सोने में रहती है कि चांदी में रहती है? और गेहूं की प्रॉपर्टी और आत्मा की प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ है पंडित जी? 2 बंगला हैं, 4 कार हैं और 10 किलो सोना है जी, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। देखो यदि मैं इतनी बात नहीं बताऊं, डायरेक्ट कोई आपसे पूछ ले बेटे कितनी प्रॉपर्टी है आपके यहाँ, तो झट हमारी नजर कहाँ जाती है? प्रॉपर्टी के नाम पर कहाँ जाती है? हमारा घर, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा। अच्छा क्यों, आप में से गरीब कौन कौन है यार? हाथ तो खड़े करो, गरीब कौन कौन है, अमीर कौन कौन है, कौन है बोला? अरे रे, ये मिथ्या व्यवहार है, लोक का व्यवहार भी सम्यक नहीं, मिथ्या व्यवहार है। क्यों, दो द्रव्य की प्रॉपर्टी कौन की ज्यादा कौन की कम, बराबर? बस इसी का ही नाम है सबको समान देखो। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार। क्यों, किसके बल पर बोले? किसके बल पर बोले?
किसके बल पर बोले? सप्तभंग। सप्तभंग में से स्वय से अस्ति। स्वभाव की प्रॉपर्टी किसके पास कितनी कितनी है? सभी द्रव्यों में बराबर है, प्रत्येक जीव में बराबर। अच्छा तुम्हें कोई गरीब तो नहीं है? पक्का? आनंद करो, चलो आगे चलते हैं। मैं तो शॉर्ट में पढ़ाना है, मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं जल्दी ले रहा हूं। स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव, बराबर। स्वय से है इसका नाम अस्ति, और ना अस्ति नहीं है, ना अस्ति कौन के बल पर नहीं है? इसको शॉर्ट में कहेंगे तो किसी के बल पर नहीं है, किसी के बल पर नहीं है। किसी के बल पर नहीं मतलब विश्व के, मुझे छोड़कर अनंत द्रव्य उनके बल पर मैं नहीं हूं। थोड़ा निकटवर्ती को ले लो, इसके बल पर तो है ना। अच्छा एक प्रश्न पूछो, कोई उत्तर दोगे आप में से? हाथ खड़े करना, बोलना नहीं है। जोरदार संगनन होगा तभी तो मोक्ष होगा। जोरदार संगनन क्या होता है? वो संगनन वज्र प्रसव नाराज संगनन, तभी तो मोक्ष होगा विवेक। क्यों? उत्तर कहां से दे रहे हो? बोलो अच्छे से, बोलो पूरा उत्तर। भैया आत्मा की मोक्ष की परद्रव्य से नास्ती है। क्या बोला हमने? आत्मा की शरीर के संगनन से नास्ती है। अच्छा व्रत उपवास वे ही कर सकते हैं जो बलवान हो। बीमार आदमी व्रत उपवास कर सकता है? तपस्या कर सकता है? बहुत दम चाहिए, दम खाओ पियो जरा, अच्छा लड्डू पेड़ा घी और फिर बढ़िया, फिर जाके तपस्या करो, फिर देखो कर्म कैसे कटेंगे जोरदार। उत्तर दो। परद्रव से माने शरीर की ताकत से नास्ती है। गजब, आनंद आ गया। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? आगे चलो। स्वय से अस्ति का मतलब समझ गए और पर से नास्ति का मतलब समझ गए? बस यही आ गया, एक द्रव्य कुछ नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मदद कर सकता है नहीं। शरीर अच्छा होगा तो कर्म जल्दी कटेंगे, दुबला पतला आदमी तो मोक्ष जा ही नहीं सकता बेचारा, नहीं जा सकता नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। यदि हम घी खाएं तो आत्मा का तो कल्याण नहीं होगा लेकिन शरीर तो पुष्ट हो जाएगा। यदि अपन घी खाएं तो आत्मा तो पुष्ट नहीं होगा लेकिन शरीर पुष्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यदि अपन एक क्या हो, कितना लीटर पीता है धोनी दूध? कितना पीता है? बस 5 लीटर। 5 लीटर दूध पिए तो अपन भी धोनी बन जाएंगे, अपना शरीर में भी दम खम बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी क्या? उत्तर उत्तर, दूध का और इस शरीर के परिणमन में ताकत में बराबर। अब यदि समय रहेगा तो मैं गुण और पर्याय में भी घटा के बता दूंगा, लेकिन समय रहेगा तो ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अस्थि हो गया, नास्ति हो गया, एक तीसरा धर्म भी आत्मा में है, अस्ति नास्ति। स्यात् अस्ति नास्ति, क्या धर्म है? क्या धर्म है ये? ऐसा धर्म है, क्यों ऐसा हो सकता है कि माइनस प्लस एक जगह रह जाएं? वो चुंबक नहीं होती, चुंबक हो साउथ एंड नॉर्थ, और उनको ऐसे मिला तो रखना मुश्किल है, उनका एक दूसरे के अपोजिट हो तो रखना मुश्किल, फेंकते हैं। लेकिन आत्मा में अस्ति नास्ति नाम का एक ऐसा धर्म है कि इन दोनों को रख लेता संभाल के, दोनों धर्मों को टिकाए रखने वाला तीसरा धर्म। क्या कह रही? देखो शंकराचार्य से तक इस मामले में भूल हुई, वे सप्तभंग को नहीं समझ पाए। बहुत बुद्धिमान थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, महान ज्ञाता थे, लेकिन वे अस्ति नास्ति और ये नहीं समझ पाए। पढ़ लेना आप, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। आप नए चक्र है ना परम भाव प्रकाशक, उसमें देख लेना पीछे, मैं तो शॉर्ट में कहता हूं। क्यों? एक जगह पे तूफानी बच्चा, तूफानी समझते, शरारती बच्चा, नॉटी बॉय और एक शांत बालक, पीस नेचर वाला बालक, क्यों दोनों एक कमरे में रह सकते हैं? रह सकते हैं बताओ। लेकिन वो तीसरा है ना, तीसरा उसका सीनियर,
उसके कारण भी दोनों एक ही स्थान पर रह जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बड़े हिल मिल के रहते हैं, क्योंकि उनके बड़े पापा हैं। समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाया कि नहीं आया? माने अस्थि और नास्ति नाम के चिल्ड्रन, अस्थि नास्ति नाम के दोनों बच्चे, एक गोरा एक काला, और एक ही मम्मी के अंडर रह जाते हैं। माने अस्थि नास्ति धर्म ऐसा है कि दोनों को बनाए रखता है, एक एक गुण में बनाए रखता है, एक एक पर्याय में बनाए रखता है, और एक एक द्रव्य में बनाए रखता है। फिर से तीन हो गए, अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति, याद हो गया सबको? मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, यदि सात याद नहीं हुए तो। वैसे याद हो ही जाएंगे, जब मुझे याद हो गए तो आपको भी हो जाएंगे, उसमें क्या बात है। अस्थि नास्ति माने दोनों धर्म एक साथ बनाए रखने वाला तीसरा धर्म। ये नहीं समझना कि उन दोनों को मिक्स कर दिया अपन ने, जैसे दूध और पानी मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं। ये दूध ये पानी दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं समझना। एक तीसरा एक अलग धर्म है जिसका नाम है अस्थि नास्ति नाम का धर्म, बराबर। तो ये दोनों, ध्यान से सुनना, दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन दोनों को कह सकते हो ना आप? कहो कि नहीं? क्रम से कह सकते हैं। अस्थि नास्ति दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। या तो एक बार में अस्थि बताओगे या नास्ति बताओगे, दोनों में से किसी एक को बताओगे, दोनों को एक साथ बता सकते नहीं है। इसलिए ये ध्यान से सुनना, रहने में एक साथ अस्थि नास्ति दोनों धर्मों को बनाए रखने वाला तीसरा धर्म एक साथ है, लेकिन एक साथ कहा नहीं जा सकता। दो नाम है तो दोनों क्रम क्रम से कहे जा सकते हैं, बराबर। आगे चलो, तीन हो गए। अब अवक्तव्य के नंबर आ गया इस तरफ। अवक्तव्य, अवक्तव्य माने कहा नहीं जा सकता। मैं बाद में घटाऊंगा, अभी समझाना। अवक्तव्य माने, वक्तव्य माने कहने योग्य, और अवक्तव्य माने, जोर से बोलो, वक्तव्य माने कहने योग्य, अवक्तव्य माने नहीं कहने योग्य। मैं इसके लिए सरल दृष्टांत दे दूं पहले। देखो ध्यान से सुनना, रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा होता है। ये आपने मीठा कह दिया ना, ये स्यात अस्थि। क्या हो गया ये? स्यात अस्थि। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा होता है। अच्छा क्यों? तो आम जैसा मीठा होता है, आम आम जैसा। अच्छा आम के कारण मीठा होता है। अच्छा तो केले के कारण होता होगा मीठा, पक्की बात है, इसमें केला डलता होगा। तो अब आप जितने जवाब दोगे, ये नास्ति। शक्कर और रसगुल्ला अच्छा पड़ता है, शक्कर तो थोड़ा ऐसा लगता है। रसगुल्ला इसलिए मीठा है क्योंकि उसमें आम और क्या क्या मीठे होते हैं लोग में, केला दो हो गए, और क्या मीठा होता है? सेवफल, सेवफल मीठा। तो सेवफल के कारण मीठा होता है। तो आप जितने जवाब दोगे वो सब नास्ति, अस्थि नास्ति याद हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये अपने बल पर मीठा हो पर के बल पर मीठा नहीं हो, ये दोनों एक साथ धर्म रहते हैं। अपने बल पर मीठा होने की शक्ति और उसी समय पर के बल पर मीठा नहीं होने की शक्ति, ये दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, इसका नाम है अस्थि नास्ति, बराबर। तीन कठिन तो नहीं लग रहे? अब चौथा, अब अवक्तव्य। खड़े हो जाओ, खड़े मत होना। खड़े हो जाओ का मतलब, बोलो भैया रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। हमें समझ में नहीं आया, आप समझाइए रसगुल्ले के मिठास में और आम के मिठास में क्या अंतर है। आइए भाषण दीजिए। घी खाया है? घी खाया है? कैसा होता है टेस्ट? बताइए बताइए, आके बताइए बताइए ना, खाया नहीं क्या? अच्छा चलो, मैं कैसा लगता हूं अब बताइए मेरी आवाज कैसी है, बताइए। अब आप जो कुछ कहोगे वो अस्थि, अस्थि पर के बल पर नहीं है, ये नास्ति। और अस्थि नास्ति ये दोनों धर्म एक साथ, तीन। और चौथा अनुभव में तो आता है लेकिन कह सकते हैं नहीं, इसका नाम अवक्तव्य। याद रहेगा आपको, क्या कहा?
कह नहीं सकते। हम अस्थि नास्ति को जानते तो हैं, लेकिन शक्कर की मिठास इंडिविजुअल जानते तो हैं, आम की मिठास को भी जानते हैं, केले की मिठास को भी जानते हैं, चीकू की मिठास को भी जानते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या होते हैं, उन सब की मिठास को जानते हैं। लेकिन बट हम बोलो भैया, यू कैन डिफाइन कर सकते हो, इसका नाम है अवक्तव्य। आपको एक बात बताऊं, महावीर भगवान भी आत्मा का पूरा वर्णन नहीं कर पाए, जितना कर पाए वो स्यात् अस्ति, परद्रव्यों के बल पर नहीं है ये जानते थे, नास्ति कहते थे, नास्ति, और वे सारे के सारे धर्म एक साथ रहते हैं जे अस्ति नास्ति, और फिर भी आत्मा का पूरा वर्णन अरहंत भगवान नहीं कर पाए, उनको भी यही कहना पड़ा। वैसे यदि दो चार से पीरियड मिलते तो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल कराता। बता सकते समय साहब में अवक्तव्य की कोई गाथा है? शुरुआत के 10 गाथाओं में ही है। ज्ञात बो तो बो ही है, क्या बोला? ज्ञात वो तो वही है। देखो आप लोग पिक्चर जाते हो, जब वहां से लौट के आते हो तो दूसरे स्टोरी सुनाते हो सब अपने दोस्तों को, स्कूल कॉलेज नहीं सुनाते रहते लड़के तो सुनाते हैं, अरे भैया अरे गजब, तो बहुत सुनाते हो। फिर तो मेरे जैसा मिल जाए आपको, मेरे जैसा, तो मैं क्या है, क्या तुम तारीफ मार रहे हो, क्या हुआ उधर, अरे क्या स्टोरी थी। अच्छा क्या स्टोरी तो सब में ही होती है। अरे हीरो, तो वो हीरो भी सब में होते हैं। अरे हीरोइन, तो वो भी सब में होती है। अरे क्या सॉन्ग, क्या म्यूजिक, ये तो सब में ही होते हैं। भले आदमी इसमें बड़ी क्या है, नहीं वे बीच में बिछुड़ जाते हैं, ये तो वो भी कईयों में बिछुड़े हैं, फिर आखिरी में मिल जाते हैं, तो ये भी कई बार हुआ। आखिरी मालूम तुम क्या कहो भैया, मैं बता नहीं सकता। यही कहू ना आखिरी में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सप्तभंग का प्रयोग ना करो। जितना बता लोगे वो अस्ति, वो और जैसी नहीं है, और जैसी नहीं है नास्ति, और भैया इसकी विशेषताएं तो इसी में हैं, बहुत सारी विशेषताएं, और मैं कह नहीं सकता। एक दृष्टांत घटा दिया, एक रसगुल्ले में और घटा लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है मेरा रसगुल्ला। सुना अपन किसी घर जाओ के, अरे भैया इतने बढ़िया रसगुल्ला बने, खाओ तो सही, तो हमने क्या नया बात हुई, बोलो क्या बात है, क्या विशेषता आपके रसगुल्ले में, आप बता सकते हो? वही कहोगे शक्कर मिठास है, घी है, ऐसा है वैसा है, हम कहेंगे तो हमने पहले भी खाए, उसमें क्या दम है। लेकिन फिर आखिरी में आप क्या बोलोगे, आप तो खा के देखो बस, हल्दी राम गुजिया वाला। आप तो खा के देखो बस। बस का क्या मतलब निकला जी? वो तो भैया देखो, जो जो चखेगा वो ही समझ पाएगा। इतनी देर में कुछ याद आया है आपको? आत्मा का अनुभव गूंगे का गोड़ है, गूंगे का गोड़, गूंगे का गोड़। यदि आपको सम्यक दर्शन हो जाए तो आप कह मत देना किसी से सम्यक दर्शन हो गया, वो यही पूछे कैसा मजा आया, अब उसे क्या बताओ कैसा मजा आया बताओ। आत्म अनुभव बताया नहीं जाता, लक्षण व्यवहार से समझाया जाता, नयों की दृष्टि अभी तजेंगे, नयातीत प्रभुता का आनंद लहेंगे। समझ आया कि नहीं आया? अब टाइम नहीं तो रिपीट करके सुनाता है इसको। आगे चलो, कितने हो गए अभी तक? अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य। समझ आ गया अवक्तव्य? कह नहीं सकते, जितना कहा जाता है ना वो भी अनंत व भाग है। भगवान की दिव्य ध्वनि में भी आत्मा का अनंत व भाग आ पाता है।
पूरा नहीं आ पाता, लेकिन आप पूरा चाहते हो? बोलो, पूरा चाहते हो? बोलो तो। क्षण भर निज रस को, एक क्षण में आप अनंत धर्मों का स्वाद ले लेंगे। कह नहीं पाएंगे, कह नहीं पाओगे, लेकिन एक क्षण में अनंत धर्मों का आनंद ले लोगे आप। बोलो भैया, लोग बाग ऐसा कहते हैं, चर्चा में क्या रखा है, चर्चा में क्या रखा है। हम कह रहे भाई साहब, चर्चा कर ही नहीं पाओगे आप। फिर से सुनना क्या कह रहे। लोग कहते हैं चर्चा करने में क्या रखा है, चर्चा तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, अनुभव करके बताओ। मैं कहता हूं भाई साहब, अनुभव करना बहुत सरल है और चर्चा करना बहुत नहीं, असंभव है। क्या चर्चा सिद्ध भगवान अरहंत भगवान भी पूरी नहीं कर पाते? कौन की? तुम्हारे में कितने गुण हैं? तुम्हारे में, तुम्हारे गुणों का वर्णन पूरा नहीं हो पाता भगवान से। कौन से? सर्वज्ञ भगवान से। जानते तो हैं और आप भी अनुभव तो कर सकते हो, लेकिन कह सकते नहीं। चार हो गए, सबको समझ में आ गए, आगे चले। अब है अस्ति अवक्तव्य। क्या कहना है अब? अब थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अस्ति अवक्तव्य, देखो आत्मा में अस्ति नाम का धर्म है ना, उसके कारण अनंत गुणों की अस्ति है, तो अस्ति पूरी नहीं कही जा सकती। अनंत गुणों का अस्तित्व पूरा नहीं बताया जा सकता। इस अपेक्षा से अस्ति अवक्तव्य, आप है पना भी, जैसे अभी हमने कहा शक्कर मीठी है, तो है पना बताइए, मिठास का वर्णन करिए, कर नहीं पाते, इसलिए अस्ति अवक्तव्य। कौन कौन से नास्ति है ये बताना भी नहीं संभव हो पाता है, नास्ति अवक्तव्य। और अस्ति नास्ति दोनों क्रम क्रम से ही बताए जा सकते हैं, एक साथ नहीं बताए जा सकते, ये अस्ति नास्ति अवक्तव्य। फिर से बोलता हूं एक बार, ताकि जिन्हें नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर सुन लो। कठिन लगाओ तो जल्दी हाथ खड़े करो, तो मैं फिर इजी करूं दृष्टांत देके। पहले जल्दी हाथ खड़े करो, कठिन लगाओ ही। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। सबको सरल हो गया? सबको? ग्यारहवीं बारहवीं वाले, मैं ग्यारहवीं वालों को स्पेशल लाड़ कर रहा हूँ। न्यू कमर है ना, अभी आए होंगे दो चार महीने पहले ही, जुलाई में ही तो आए होंगे, जून जुलाई में, इसलिए। हाँ भैया, समझ में आए बेटे? हाँ, अवक्तव्य नहीं समझ में आया? अवक्तव्य माने कहने योग्य नहीं है, अनिर्वचनीय, शब्दातीत, शब्दातीत। आपकी मम्मी कैसी है? तो आप झट कहो बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया क्या होता है बताओ? कि बहुत प्यार करती है। तो फिर कैसे प्यार करती है? कि ऐसे ऐसे करती है। कैसे करती है? माने अब जो अपने अनुभव में आता है ना, वो बता सकते हैं? नहीं। ऐसे आत्मा के अस्ति धर्म को, नास्ति धर्म को अनुभव में तो आता है, लेकिन बता सकते हैं? आगे चले। अब तक समझ में आया? शब्दातीत, अनिर्वचनीय, भाषातीत, विकल्पातीत, ये सब सुने होंगे आपने, ये अवक्तव्य न है, बराबर। अब फिर से सुनो, अस्ति नास्ति क्रम क्रम से कहे जा सकते हैं, लेकिन कहे एकदम एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसका नाम अवक्तव्य। अब अस्ति अवक्तव्य फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अस्ति अवक्तव्य फिर समझा रहे हैं, अस्ति भी नहीं कही जा सकती, अस्ति पूरी नहीं कही जा सकती। थोड़ा दिमाग लगेगा, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपके लिए। रोकूं कि बोलूं आगे? लिखना मत, मेरी ओर देखो, लिखना नहीं, नहीं तो जिंदगी भर पीछे रह जाओगे, सब लोग अच्छे बैठ जाए ऐसे। हाँ, वेरी गुड। अस्ति अवक्तव्य, आत्मा की अस्ति पूरी नहीं बताई जा सकती, इसका नाम अस्ति अवक्तव्य। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, मैं उसी तरीके से बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। नास्ति धर्म का नाम तो है नास्ति, लेकिन वो भी अस्ति है। फिर से बोलूं क्या बोला मैंने? समझ आया कि नहीं? सनत समझ आया? दीपक, विवेक, क्या नाम है? विवेक। फिर से नास्ति नाम है ना, नास्ति, ऐसे लगता है ये आत्मा में तो होगा ही नहीं। नास्ति नाम का धर्म कैसा है? आत्मा में होगा ही नहीं, लेकिन नास्ति नाम का धर्म भी आत्मा में अस्थि रूप है। अस्थि रूप माने
है आत्मा में एक है, कौन सा गुण है कि पर के बल पर नहीं जीऊंगा, ऐसी सत्ता है। लेकिन जब अस्थि का वर्णन करने जाएंगे तो उसी समय नास्ति नाम का धर्म का वर्णन नहीं कर पाओगे, इसलिए अस्थि 100% नहीं कह सकते आप। एक उत्तर हुआ, समझ में आया नहीं समझ में आया? पहले तो देखो ये अस्थि नाम का धर्म है कि नहीं, और दूसरा कौन सा है क्या बोल रहे हो? है कौन? नास्ति। कौन सा धर्म है? अस्थि नाम का धर्म है। दूसरा कौन सा धर्म है? है माने अस्थि हो गई ना, तो नास्ति नाम का धर्म भी अस्थि रूप है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? नास्ति नाम का धर्म भी अस्थि रूप है। देखो मैं आपको समझाता हूं, समझो। आपको पता है आत्मा में अस्थि धर्म ज्यादा है कि नास्ति धर्म ज्यादा है? बराबर है क्यों? देखो मैं बताऊं, आत्मा में अस्थि धर्म कम है, नास्ति धर्म ज्यादा है। क्यों? उसका कारण सुनो ना, आपको लॉजिक पूछो। देखो मैं अरस अरूपी अस परसी, जी कौन की तरफ से कहा है? जी नास्ति, नास्ति धर्म है कि नहीं? जी अरस अरूपी अस परसी, तो पोदगल के समस्त धर्म मेरे में नहीं है, ये नास्ति ज्यादा हुई कि नहीं होगी? और फिर धर्म द्रव के, अधर्म द्रव के, आकाश द्रव के और काल द्रव के धर्म भी मेरे में नहीं है, उन रूप में नहीं होता, उनके बल पर नहीं होता, तो नास्ति धर्म ज्यादा हुआ कि नहीं हुए? है? देखो अस्थि है कि नहीं? अस्थि आत्मा में आनंद गुणों की अस्थि है, ज्ञान दर्शन चारि सुख वीर ऐसे सब है कि नहीं? बराबर। अब नास्ति धर्म देखो, जिनवाणी में 99% वर्णन नास्ति धर्म की तरफ से है। सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को चार घातिया कर्मों का अभाव हुआ और चार अघातिया का अभाव हुआ, तो कौन से गुण प्रकट हुए? अनुजीवी की प्रतिजीवी, कौन से गुण प्रकट हुए? अनुजीवी की प्रतिजीवी है, प्रतिजीवी, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्यवादत्व, अगुण लघु, ये कौन से हैं? ये प्रतिजीवी गुण है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये प्रतिजीवी गुण है। प्रतिजीवी माने नास्ति, नास्ति वाले धर्म है ये। कौन से धर्म है ये? नास्ति वाले धर्म है ये। ओ हो, लेकिन कठिन हो जाएगा नए बच्चों के लिए, दिमाग लगाना, कोई बात नहीं। देखो कम हो ज्यादा उनके चक्कर मत पड़ना, अपन तो ये देखो कि नास्ति का कथन बहुत है। जैसे अलिंग ग्रहण के बोल, अलिंग ग्रहण का बोल नास्ति प्रधान है, केवल एक गुण है चेतना, अस्थि में एक गुण है चेतना, अस्थि में एक चेतना है और बाकी सब अलिंग ग्रहण। अलिंग आ माने आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, इंद्रियों से जानने में नहीं आता, ये क्या है? नेगेटिव। अरस अरूप गाथा ही मूल में कौन सी है? अरस मरूपम गंधम अबतम चेदना गुण मसदम, जी क्या लिखा है इसमें? पूरा प्रतिजीवी वाला नास्ति। आता समझ में आया? ये तो याद दिलाया आपको, ज्यादा मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, इसे पढ़ाने बैठूंगा तो फिर और अलग टाइम होगा। आगे फिर से चलिए, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य अव्यक्त नहीं, अवक्तव्य कौन सा धर्म है? अवक्तव्य, अवक्तव्य माने आत्मा में ऐसा धर्म है जिसके कारण वो कहा नहीं जा सकता। ए आत्मा में ही है और कौन कौन में? हाँ प्रत्येक द्रव में है और किस में? प्रत्येक गुण में है। वेरी गुड। और सुनो क्या कमाल है, एक पर्याय को भी अवक्तव्य, एक पर्याय तक का पूरा वर्णन नहीं कर सकते है? क्या कह रही है कोई माइका लाल? एक पर्याय का पूरा वर्णन कर दे। ए मैं द्रव तो इतना बड़ा हूं, द्रव तो इतना मोटा हूं, इतना बड़ा हूं, उसकी तो बात छोड़ो। ऐसे नहीं, जैसे जो मोहल्ले में झगड़ा होता था ना, मोहल्ले में झगड़ा, बाल का बांका करके बता जब जाने, बाल समझ गए, एक बाल बांका माने टेढ़ा है। तू एक बाल टेढ़ा करके बता।
ए हम सब बहुत बड़ी सत्ता है, हम एक बाल बांका करके बता, समझ में आ रहा कुछ क्या कह रहा हूं? ए द्रव तो बड़ा मोटा है और द्रव के गुण भी बड़े मोटे हैं, जरा एक पर्याय का वर्णन करके बताओ दम होता। स्वामी जी भी ऐसा कहते थे 47 शक्तियों के प्रवचन में, ओ जब केवल ज्ञान सर्वज्ञ तो शक्ति एक पर्याय इतनी जोरदार, एक पर्याय इतनी जोरदार, तो अनंत काल तक ऐसी पर्याय जिसमें से निकले वो ज्ञान गुण कितना जोरदार, और जब एक ज्ञान गुण इतना जोरदार तो जिसमें अनंत गुण जोरदार वो द्रव कितना जोरदार, ऐसा द्रव्य कौन है? स्वामी जी कौन? डॉक्टर साहब तुम में से कौन कौन है? अब देखो मैं जल्दी एक घंटे में पढ़ाना मुझे सब, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ये कैसा हो? ओहो कैसे हो भैया, एक पर्याय का वर्णन करने में भी कोई समर्थ? मैं तो इसका दृष्टांत ऐसे देता हूं, मैंने मालूम एक शादी ऐसी देखी जो किसी ने नहीं देखी होगी, वर्ल्ड में नंबर वन टॉप शादी। मेरा फ्रेंड था, उसकी बारात गई थी, उसमें मैं गया था, इतनी टॉप शादी, इतनी अच्छी शादी आज तक किसी ने नहीं देखी। तो आप पूछोगे वर्णन करो, तो मैं कहूंगा कि वर्णन बस ये समझ लो, इसी से अनुमान लगा लो, पूरी शादी का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, बहुत बड़ी शादी है, उसके लिए तो मैं कब तक सुनाऊंगा आपको। इतनी बढ़िया शादी हुई थी मेरे फ्रेंड की, बारात में गए तो जो घोड़ा आता है ना, घोड़ा जिसके ऊपर वो दूल्हे को बिठाते हैं, वो सईस कहलाता है, सईस उसके साथ चलने वाला घोड़ा, जिसका घोड़ा होता है वो सईस कहलाता है। लड़की वालों ने उस लड़का वो बारात लाने के उपलक्ष्य में, वो घोड़ा पे दूल्हा बिठा कर लाने के उपलक्ष्य में एक हवाई जहाज तिलक में दिया था। जब घंटा भर बिठाने के उपलक्ष्य में सईस को क्या मिला था? हवाई जहाज। तो अब ये समझो कि दूल्हे को क्या मिला होगा। कि साहब दूल्हे को एल्यूमिनियम की कटोरी तो मिली होगी दो चार। क्यों क्या मिला होगा? कि भैया जब सबसे हल्के आदमी को, नाई को भी जेट विमान मिला, जेट छोटा मोटा नहीं, जेट विमान। जब नाई को जेट विमान मिला होगा तो दूल्हे को पंडित जी एक आज बैंड टैक्स की अंगूठी तो मिली होगी, क्या मिला होगा भैया? इतना बड़ा वर्णन है, तुम इसी से अनुमान लगा लो, इसी से कि जब एक चीज इतनी जोरदार उसको दी गई होगी सबसे हल्के आदमी को, तो उसको क्या मिला होगा। ये दृष्टांत ऐसे ही सर्वज्ञत्व शक्ति माने एक समय की पर्याय। ओहो सर्वज्ञत्व केवल ज्ञान पना, शक्ति तो अनादि अनंत है, ले उसकी एक समय की पर्याय का कमाल। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट। जे बोई वाली बात है, सईस को एक जेट विमान, तो गुण को कितना, और गुण हो तो उस आत्मा का। देखो मैं इसलिए बात कहता हूं, अपने को अपनी महिमा नहीं आती, सही बात बताएं। इसके ही नाम पर्याय दृष्टि है कि तुमने वर्तमान क्षोभतम जितना अपने को मान लिया, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी शार्प नहीं है, मैं कुछ ही याद नहीं रख पाता, मैं भूल जाता हूँ जी, अपनी बहुत अंडर वैल्यूशन है। क्या कह रहे? आप सब उछलते हुए भगवान हो, अनंत शक्ति पिए बैठे हो, अब भी ऐसी महिमा अपनी आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, करके ही रहूंगा। क्या करके रहोगे? क्या करोगे तुम? पर्याय में कुछ करोगे क्या? क्या करोगे? नहीं नहीं, बहुत अनादिकाल से नहीं किया, बहुत दुर्लभ है, मर नहीं जाए, मरने से पहले सम्यक दर्शन कर ले भैया, करना तो है, चाहे कुछ हो जाए, नमो अरिहंतं। नहीं ये नाटक नौटंकी मत करो, पहले तुम जो बताओ तुम कौन हो? क्या हम गरीब आदमी? हटो 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 यहां से बाहर जाओ, कौन ने अंदर आने दिया तुमको? पढ़ा नहीं तुमने मैं सुखी दुखी में? लेकिन जब भी अपन सम्यक दर्शन करने कोई बैठता हो तो ऐसे घट, मतलब बहुत डिप्रेस्ड आदमी का काम नहीं है,
पहले ये समझ में आना चाहिए कि मेरा बाल का बांका करके बता, कर्म कर्म है कर्म। स्वामी जी का जीवन चरित है ना, जीवन चरित, उसमें मैंने एक पाठ पढ़ा था, उसमें एक लाइन गाई है, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, माने स्वामी जी की तरफ से कहलाया उसमें, कर्म तू अपने ठाट किसको दिखाता है, ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, हे कर्म तू अपने ठाट किसको दिखाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कौन की महिमा आई? स्वद्रव्य से अस्ति, पर से नास्ति, अनंत पर से नास्ति, आगे अस्ति नास्ति एक साथ है, अवक्तव्य कह नहीं सकते, क्रम से कह सकते हैं, एक साथ नहीं कह सकते, फिर कह सकते हैं तो जितना कह सकते थे वो अस्ति, अस्ति भी पूरी नहीं कह सकते, उसका नाम अस्ति। फिर से सुनाओ, यहां लिखा है अस्ति, जितना कह सकते थे वो अस्ति वक्तव्य में आ गई, और जो नहीं कह सकते वो अस्ति अवक्तव्य में आ गए, जितना नास्ति के बारे में कह सकते थे वो नास्ति वक्तव्य, और जितना नहीं कह सकते थे वो नास्ति अवक्तव्य, और अस्ति नास्ति जितना कह सकते थे, जितना कह सकते थे क्रम क्रम से वो यहां पर आ गई, और जो नहीं कह सकते थे अस्ति नास्ति वो यहां अस्ति नास्ति अवक्तव्य में आ गई। समझ में आ गया सबको? पूछूं कितने लोग, कौन कौन से पूछ सकता हूं, हाथ तो खड़े करो जरा। सात भंग के नाम, सात भंग के नाम कितने को याद हो गए, हाथ खड़े करो। क्यों याद नहीं हुई? अच्छे हाथ खड़े करो, इसमें शर्म की क्या बात है, कहा हमें भी तो गौरव होना चाहिए कि हम पढ़ा पाए। ठीक है, वेरी गुड। मैं कोई कोई संजीव नाम का लड़का है इसमें? नहीं है, नहीं है। अमित नाम का कोई लड़का है? अमित कौन है, हाथ खड़ा करो। अमितेंद्र है, अरे अमित पूछ रहे, चलो अमितेंद्र तो बता देगा। चलो भैया, और कौन है, रोहित है? रोहित भी नहीं कोई। महेंद्र नाम का लड़का है कोई? कौन है अवेलेबल? नहीं है, ये जी आगे ही बैठा ये तो। चलो बोलो बेटा तुम, हाँ बताओ तुम, मयंक नहीं महेंद्र? अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये भैया बताएगा छोटा सा, तेरे से कह रहे, तुमसे तुम पीछे देख रहे। हाँ हाँ, जोर से बोलो बेटे, सात भंग जल्दी बोलो, डरना नहीं बिल्कुल। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको याद हो गए। अब एक प्रश्न अंतिम सुनो इसका, और अपने पास समय है, ले लूं पांच मिनट, जल्दी से सुनो एक बात। देखो ये सात ही भंग क्यों हैं, और भी बना देते कि ना, भाषा के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में सात ही भंग बन सकते हैं। जैसे अवक्तव्य नाम का भंग बनाए ना, भंग माने भेद, सप्त भंग माने सप्त भेद, सप्त भंग माने एक वस्तु के बारे में उठने वाले सात प्रकार के क्वेश्चन। फिर से सुन लो, एक वस्तु के बारे में, चाहे द्रव्य हो, गुण या पर्याय, आपको कभी भी कोई प्रश्न खड़ा होगा तो सात वर्ग से ज्यादा नहीं बन सकते, सात भंग से ज्यादा नहीं बन सकते। आपको कभी भी प्रश्न खड़ा होगा वर्ल्ड में किसी भी बारे में, माने मैं अच्छी भाषा में कहूं तो सारी दुनिया के प्रश्नों को इकट्ठा कर लो, वो किसी भी प्रसंग के प्रश्नोत्तर हो, उन सारे भंग प्रश्नों को हम सात भागों में बांटेंगे, उसका नाम है सप्त भंग। इससे ज्यादा आठवीं क्वालिटी का प्रश्न नहीं हो सकता, इसका नाम है सात भंग। सात ही भंग क्यों बने? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में सात ही धर्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सात धर्म, और सात धर्म को बताने वाले भंगों का नाम है सप्त भंग। कोई बोलेगा? आत्मा में, प्रत्येक द्रव्य में कितने भंग पाए जाते, धर्म पाए जाते हैं? सात। कितने धर्म पाए जाते हैं? सात। इसीलिए उसको विषय बनाने वाले भंग भी कितने बनेंगे? सात। एक वस्तु के बारे में सात से ज्यादा प्रश्न नहीं हो सकते। जैसे अपन पूछे है कैसा है, जो भी उत्तर दोगे वो अस्थि में चला जाएगा, जो भी उत्तर दे लोगे वो अस्थि में चला जाएगा। तो हम कहेंगे और बताओ और बताओ, तो आपके हम बता नहीं सकते, तो अस्थि अवक्तव्य। अच्छा कैसा नहीं है, कैसा नहीं है, तो कैसा नहीं है किसके बल पर नहीं है,
किस जैसा नहीं, अभी बताया था। तो नास्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य कहा जा सकता है। और जब नहीं बता पाओगे पूरा तो क्या कहोगे, भैया हम पूरा बता सकते नहीं। तो नास्ति भी अवक्तव्य, अस्ति नास्ति एक साथ है, क्रम क्रम से बताई जा सकती है, लेकिन क्रम क्रम से भी पूरी नहीं बताई जा सकती, ये अस्ति नास्ति अवक्तव्य बराबर। और जब हम कुछ नहीं कह सकते जिसके मामले में, तो वो अवक्तव्य। याद हो गया, याद हो गया। अब मैं 2-5 मिनट के अंदर आपको एक इशारा करना है, मुझे अंतिम, मेरा सप्तभंग प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। कठिन तो नहीं लगा, कठिन तो नहीं लगा? फिर से अब गुण और पर्याय में घटा के बताना है मुझे, बहुत सरलता समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। हमें करना है श्रद्धा गुण का परिणाम माने सम्यक दर्शन। क्या बोला मैंने, क्या करना है आपको? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है, ज्ञान की कि चारित के? है श्रद्धा गुण की। तो सम्यक दर्शन करना है, लेकिन ध्यान से सुनना, 99% लोगों की गलती है कि वो ज्ञान के व्यापार में सम्यक दर्शन समझते हैं। ज्ञानाभ्यास, शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास पढ़ लो, रट लो, सीख लो, ज्यादा से ज्यादा याद कर लो। गर्व काय का करते हो, सम्यक दर्शन का कि क्षोभसम का? जैसे अभी किसी विद्यार्थी को 25 ग्रंथ याद हो जाएं, तो सारे लड़के उसे ऐसे देखेंगे मानो ये साक्षात सर्वज्ञ हो, ऐसा लगता है भैया बहुत महान इंटेलिजेंट है भैया, हम तो 10 बार में याद नहीं कर पाते, ये तो एक ही बार में याद कर लेते हैं। लेकिन एक बार में याद कर लेते हैं तो भी ये तो ज्ञान गुण का परिणाम है, बात है, पकड़ में आया? तो पंडित जी हमें तो लगता है आप पक्के सम्यक दृष्टि हो। मैं लगता हूं नहीं लगता सम्यक दृष्टि? आप तो पक्के में लगते हो। क्यों लगता हूं? आपका प्रवचन की शैली जबरदस्त। अच्छा, प्रवचन की शैली जोरदार हो तो सम्यक दृष्टि हो जाती है। तो अगली बार आप क्या करोगे, अपने को भी ऐसा लगेगा हम भी कब डॉक्टर साहब जैसी शैली अपनाएंगे, मेरा मॉडल कौन है, डॉक्टर साहब उन जैसी कला सीखेंगे, उनके दृष्टांत लिख लेंगे, एक दिन मैं भी डॉक्टर साहब बन जाऊंगा। फिर क्या हो जाएगा, सम्यक दृष्टि होने का कहां गया? वो समझ में आ रहा कुछ? माने आप ज्ञान गुण के व्यापार करते करते, पढ़ते पढ़ते, रटते रटते, सीखते सीखते इसी की महिमा में खो जाते हो, लेकिन जो अवक्तव्य भगवान आत्मा की श्रद्धा का, श्रद्धा कैसी है अवक्तव्य, अनुभूति कैसी है अवक्तव्य, वो रह जाता है। लेकिन अब मैं फिर पूछता हूं, कोई मेरे से पूछ सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? होना चाहिए नहीं, क्यों नहीं होगा बोला, उत्तर दो बेटे सप्तोंग में से। अच्छा उत्तर नहीं, बोलो बोलो बेटे, पीछे चश्मा लगाने वाला। हाँ हाँ, बट हम सप्तभंग में उत्तर पूछ रहे हैं बेटे, बहुत सरल उत्तर है, क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण की नास्ति है, स्वतंत्रता है, एक गुण में दूसरे गुण की नास्ति है। ज्ञान गुण के व्यापार से इसका काम होने वाला, ये आंख बहुत मजबूत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसमें मोतियाबिंद नहीं होगा। क्यों क्यों, जब ये आंख अच्छी तो ये भी अच्छी रहनी चाहिए। उत्तर बोलो, हाँ, इस आंख की इस आंख से नास्ती है, इस आंख की इसी आंख में अस्ति है, इस आंख से नास्ती। समझ में आया? तो मैंने इशारा कर दिया गुण में, ऐसी पर्याय में घटाना है आपको, पर्याय। एक समय पहले मिथ्या, अगले समय सम्यक तो हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक समय पहले मिथ्या दर्शन, अगले समय सम्यक दर्शन, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, अब उत्तर आया, क्यों? क्योंकि एक पर्याय वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय से नास्ती है। क्या है? नास्ती है। नास्ती माने वर्तमान पर्याय की अस्ति अपने से है, पिछली पर्याय से ना अस्ति ना, उसके बल पर अस्तित्व नहीं है। नास्ती माने उसके बल पर अस्तित्व नहीं है। समझ में आया कुछ? और चलूं, एक बात है, पंडित जी पक्के में सम्यक दृष्टि होंगे, कितना बढ़िया चारित पालते हैं, छान के पानी पीते हैं, रात का भोजन नहीं करते, अट पैरा घी खाते हैं, सिर भी मुंडा लिया है, कपड़े भी
ऐसे पहनते हैं एकदम पक्के सम्यक दृष्टि होंगे। हाँ भैया, न्याय से घटित करके बताओ। हैं? बोले बेटे, कौन बोलेगा? अमितन बोल बेटे। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, जीव द्रव्य का, और ये कौन का वर्णन चल गया? पुद्गल का। तो जीव द्रव्य का पुद्गल से नास्ति। ओहो, सुनो सुनो सुनो, मुनि व्रत धारे अनंत वार ग्रीव उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख बहुत ही पायो। हैं, क्या बोला मैंने? नहीं पाया? कौन से धर्म के आधार पे लिखा गया ये लाइन? कौन से सप्तभंग के आधार पर लिखी गई ये पंक्तियां? दो नास्ति, शरीर के आचरण, आहा, उसके बल पर आत्मा का धर्म होता नहीं है। 1 करोड़ का दान दे देंगे तो मेरा मोक्ष पक्का हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा, तुम एक काम करा करो बेटे, तुम लोगों, कई लोग बच्चे कह रहे थे हमारी मेमोरी कम है, आप एक काम करना, 50 ग्राम बादाम रोज खाना, पास हो जाओगे, फर्स्ट गोल्ड मेडल। बोलो, होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आज तुम्हें चाबी मिल गई, कसौटी मिल गई। अभी बहुत बेवकूफ लड़के बन जाते हैं, अपन नहीं बनते, एक समझ लो तुम्हें ही नहीं बनते, बाकी तो पता नहीं। देखो, अभी हर लड़का एक शनि की अंगूठी पहन लेता है, और जाने गले में काला धागा, एक गंडा तावीज क्यों बांध लेता है पता है? जा बच्चा, तेरा भला होगा, ये बांध ले, भसम खा ले, भसम लगाए। क्यों? तेरा बड़ा भला होगा। कैसे भला होगा? भस्म का तो नास्ती है, भस्म से तो, गंडा ताबीज काले धागे से तो नास्ती है, ग्रहित मिथ्यात्व से तो हो गई बात खत्म। अब सब जगह घटाना, ये मैं जल्दी जल्दी बता दिया आपको, बराबर। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। कौन से धर्म के आधार से लिखा गया ये? कौन से भंग के आधार से? सप्त भंग के कौन से भंग के आधार से लिखा गया? नास्ती। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? 11वीं वालों से पूछ रहा हूँ, बेटे समझ में आया कि नहीं आया? टाइम हो गया आपका, पीछे जो ग्रीन शर्ट ऐसे बैठा है, हाँ तेरे से कह रहे, खड़े हो जाओ बेटे, बोलो बेटे, सप्त भंग के नाम बोलोगे? वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत सुंदर, सब बच्चों को याद हो गया? इधर भी एक ग्रीन शर्ट है। बताओगे बेटे, इसका वर्णन कर दोगे? सॉल्ट एंड स्वीट, अपने से है पर से नहीं है, दोनों धर्म एक साथ हैं परंतु क्रम क्रम से कहे जा सकते हैं। क्या बोलेंगे यहां पर? कहे नहीं जा सकते, ये नहीं कहना, क्रम क्रम से कहे जा सकते हैं, एक साथ नहीं कहे जा सकते। यहां पर चलिए अगला, अस्ति भी पूरी नहीं कही जा सकती, नास्ति भी पूरी नहीं कही जा सकती, और अस्ति नास्ति भी पूरी नहीं कही जा सकती। सप्तभंग याद हो गए? ओम नमः शिवाय।